एक्टिंग अच्छी किया था अजय देवगन ने। और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में, उनकी एक्टिंग कैसी लगी? उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और रियलिस्टिक फीलिंग आ रही थी एकदम, और 4.5 out of 5। क्या सीखा फिल्म से, सीखा क्या कुछ संदेश वगैरह? के पाप कम करो और पुण्य ज़्यादा करो। और मनी की जो गाना है काफ़ी फेमस है, वो गाना कैसा लगा? नौरा कैसी लगी वो गाने में? बहुत अच्छा गाना था, मैं थिएटर में वाइब कर रहा था उस पर। और 5 out of 5 कितने स्टार्स दोगे? 4.5। It was good. I love the message. Otherwise, first half में क्या कुछ आपने देखा? First half कैसा लगा? Yeah, the genre is comedy, so it is kind of comedy also, and yeah, that's a one time you can say. Well, climax कैसा लगा last में? Okay, expected था. Expected था. Yeah. Okay. Siddharth and Rakulpreet की chemistry कैसी लगी? Good, good. What do you want to say about Ajay Devgan? Ajay Devgan's part was good. And as I mentioned, message is good. Otherwise, one time you can say, yeah, okay, okay. अगर ये जो गाना है मनी की, that was good, yeah. Nora was amazing. The moves and everything was too good. Apart from that, any other song that you liked it in? Yeah, the last one, the that is kind of really emotional. That is, I think, from the movie Masti. They have. सिद्धार्थ की एक्टिंग के कितने स्टार्स दोगे 5 में से? 3। अजय देवगन 4। एंड फुल मूवी 5 out of 5? 2.5। थैंक यू। व्हाट डू वांट टू से अबाउट थैंक गॉड? थैंक गॉड वाज अ नाइस मूवी, आई वुड रेट इट 3 out of 5। इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज वेरी एंटरटेनिंग, टू मेनी सॉन्ग्स, you know, more of a comedy, it's not that, it is more of a meaningful movie. कोई ऐसा संदेश जो आप यहाँ से लेके गए मूवी से, कुछ ऐसा मैसेज जो आप? Just be kind to everybody, जितना पुण्य कर सको करो. And Siddharth की acting के बारे में क्या कहना चाहोगे? His acting was okay. I mean, 10 साल पूरे हो जो. मतलब his acting was okay. Movie भी वैसी थी. I mean, you are not looking at something जिसमें बहुत गाना या dance है. उनकी movie, उनकी acting. His acting is any which way is very good. I love it. What do you want to say about the chemistry between Ajay, Rakulpreet and Siddharth? I think it is good. And yeah. Mani ke gana bhi tha usme, do remake gaane. First wala gaana acha tha. Nora wala gaana bhi acha tha, just because it is very much trending now. To uska usme dance bahut acha. How much stars would you look to give? I would say 3. For Siddharth acting. For his acting, I would say 3.5. And what about Rakulpreet's would be the same, 3.5, yeah. Lastly, how many stars would you love to give to entire movie? 5 out of 5. Out of 5, that's what I said. I would give 3.5 to the entire movie. Yeah, thank it's you. A family. कैसी लगी आपको मूवी? मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी के ऊपर कुछ बोलना नहीं है, कमेंट अच्छे थे उसके, मतलब पूरी पिक्चर की जो डायरेक्शन थी वो भी अच्छी थी। कोई ऐसी चीज जो काफी अच्छी लगी हो, जो संदेश आप लेके गए? नहीं, ऐसा मतलब वही कैमियो जो रहता है ना एक चीज का, कि भगवान मुस्लिम मतलब हिंदू मुस्लिम जो रहता है और क्रिश्चियनिटी, वो जो रहता है ना कि मंदिरों में जाके तुम वो करते हो पूजा पाठ, मस्जिद में जाके तुम दरगाहों पे जाके चादर वादर चढ़ाते हो, या फिर क्रिश्चियन में कैंडल्स, वो अगर तुम गरीब के साथ करो किसी तो और अच्छा मिलेगा, ऊपर वाला और खुश होगा। रीमेक लाने थे आपको कौन सा? दोनों में से सबसे ज़्यादा दिल दे दिया, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था पार्ट वन में मस्ती पिक्चर का। ये इसमें जो इन लोग ने लिरिक्स चेंज करके जो गाना डाला ना, मेरे को बहुत प्यारा लगा वो गाना। और सिद्धार्थ की एक्टिंग को कितने? सिद्धार्थ की एक्टिंग को तो 5 out of 5, और अजय देवगन भी 5 out of 5 ही एकदम। और सिद्धार्थ और रकुलप्रीत की केमिस्ट्री कैसी लगी? रकुलप्रीत की केमिस्ट्री लोग में ऐसा था कि मतलब समझ जैसा बोल रहे थे ना हस्बैंड वाइफ, अगर समझ के चले एक दूसरे को तो और अच्छा रहता है। लास्टली पूरी मूवी को कितने स्टार्स दोगे? लास्ट में 5 out of 4। थैंक यू। अच्छी लगी, वन टाइम वॉच मूवी है, और इसमें एक सोसाइटी को मैसेज जाता है कि आदमी को अच्छा काम करना चाहिए तो अच्छा फल मिलता है। सिद्धार्थ की एक्टिंग के बारे में क्या कह रहा है? पूरे 10 साल उनको कंप्लीट हुए। हाँ, तो उसके ऊपर अजय देवगन हावी हो जाता है। हाँ। तो मतलब एवरेज है उसकी एक्टिंग। तो रकुलप्रीत और उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी? जम रही है सर, ऑन पैर दिख रहे, अच्छे दिख। अच्छा, इसमें डायरेक्शन अच्छा है इंद्र कुमार का। कोई ऐसा संदेश आप अच्छी लगी हो? वन टाइम वॉच। और अगर आपको स्टार्स देना रहेगा अजय देवगन की एक्टिंग को, कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 4। और सिद्धार्थ की? उसका 5 में से 3। रकुल? उसका 5 में से 2। और पूरी मूवी को? 5 में से 4। थैंक यू। Thank God is a nice movie. Thank God. And क्या कुछ ऐसा संदेश? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने मिली है, इसमें
फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर सो मेनी ईयर्स वेरी नाइस केमिस्ट्री टू सी अजय देवगन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से किरदार निभाया है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ अ इगोशिएटिक रियल एस्टेट ब्रोकर and the god appears in front of him and he says that you have to play off a game of a life if you win you will be on earth if you will not win you will be in the hell to ye sab chemistry dikhai hai isme bahut sare emotional scenes hai mujhe sabse zyada end of the part bahut acha laga ki apna jeevan tyag karke apni wife aur beti ko bachate hain aur in sab mein wo jo game khelte hain ajay devgan unke sath to ek ek mein wo pass hote hain और इसलिए वो उनकी मदद करता है एंड में ये दिखाया है अजय देवगन तो उसकी लाइफ ना लेते हुए वो उसे भी बचाता है उसकी वाइफ और डॉटर को भी बचाता है 10 years for Siddharth, one word for his acting. He's always rock. Chemistry between Siddharth and Nakul Prit. Yeah, something new and I just like to see them. Rakul Preet का रोल भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया है नो डाउट इंद्रजीत सर का डायरेक्शन के बारे में अगर कुछ आपको कहना कोई पांच में से कोई स्टार्स देना हो इंद्रजीत सर के डायरेक्शन के लिए कितने स्टार्स दोगे फाइव आउट ऑफ फाइव उनकी हर पिक्चर की डायरेक्शंस बहुत अलग अंदाज रहे हैं और इस मूवी में भी उनका अलग ही अंदाज था एंड आई गेस लोगों को ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगेगी एंड इट्स नॉट अ वन टाइम वॉच यू कैन सी टू और थ्री टाइम्स ऑल्सो रेटिंग की बात करें सिद्धार्थ की एक्टिंग रकुल की एक्टिंग और अजय देवगन की एक्टिंग फाइव आउट ऑफ कितने स्टार्स दोगे तीनों को मैं दूंगी फाइव आउट ऑफ फाइव मुझे बहुत अच्छा लगा बाकी के ओपिनियंस मुझे नहीं पता अकॉर्डिंग टू मी ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी नाइस ओवरऑल फाइव आउट ऑफ कितना फुल मूवी का एंटायर मूवी एंटायर मूवी फाइव आउट ऑफ फाइव मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज एक अलग ही स्टोरी मुझे नाम भी बहुत अलग है थैंक गॉड द स्टोरी ऑल्सो इज़ वेरी डिफरेंट एंड इज सीखने मिला है इसमें इंसान के कर्म कि जैसी करनी वैसी भरनी होता है सो ये सब दिखाया गया है दो रीमेक गाने हैं इसमें आपके फेवरेट कौन सा लगा और कौन सी मूवी जो वाइब्स अच्छी आई थिएटर हाँ ये उस पे इसका है मस्ती मूवी का दिल ले दिया है मस्ती मूवी का गाना वो तो ऑलवेज ओल्ड इज गोल्ड एंड मानिका का भी सॉन्ग अच्छा है उसका म्यूजिक बहुत ही वाइबेशियस है एंड शी आल्सो वाइबेशियस नो डाउट या दैट्स ट्रू थैंक यू सो मच मैम थैंक यू